हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, सत्ता के 48 नियम। और इसमें हम अभी तक दो रूल्स देख चुके हैं, आज हम देखने वाले तीसरा रूल। रूल नंबर 3 है, कंसील योर इंटेंशंस। आपके इरादों को किसी को भी मत बताइए। मेरी दादी और दादाजी बचपन में हमें कहते थे कि अगर कोई भी चीज़ दो से ज्यादा लोगों को पता हो गई, आप और कोई एक तीसरे आदमी को अगर पता चल गई, तो वो कभी होती ही नहीं है। कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है, ये उनका स्वभाव होता है कि पति मर गया तो भी परवाह नहीं, लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। या फिर हे भगवान, मुझे कुछ नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन पड़ोसी को मत दे। ऐसी मानसिकता लोगों की होती है। तो आपके इंटेंशंस, आपके गोल अगर बहुत ही जबरदस्त है, तो बिना वजह, ना तो वो आपका दोस्त है, ना तो दुश्मन है, ना तो रिश्तेदार है, लेकिन जब उसको पता चलेगा तो अननेसेसरी आपके ऊपर जलन शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ज़्यादा बोलने से, बहुत ही ओपन अप होने से हम लोगों के मन जीतते हैं। ऐसी एक गलत फहमी उनके मन में होती है। ज़्यादा बोलने के चक्कर में एक तो आपके इरादे ओपन हो जाते हैं, दूसरा सामने वाला आपको इजीली जज करने लगता है, यू आर लाइक अ ओपन बुक। और कहीं आपने अगर किसी को हर्ट कर दिया और वो आपका फ्रेंड भी हो, तो जख्म तो कम होती है लेकिन खून बहुत बहता है। लड़कियां इसमें बहुत मास्टर होती है, वो कभी किसी को कुछ नहीं देती और कुछ हेल्प नहीं करती, अपने खास फ्रेंड्स को भी हेल्प नहीं करती, क्योंकि उनको एज अ फीमेल दे आर मोर क्लेवर देन मेन। फीमेल्स आर ऑलवेज क्लेवर एंड सुपीरियर टू मेन। आज के रिजर्वेशन के टाइम में और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जहाँ पर है, वहाँ पर अगर किसी 12th क्लास के लड़के को एग्जाम के एक दिन पहले पेपर अगर मिल गया, तो वो भगवान को भी नहीं दिखाएगा किसी को नहीं दिखाएगा वो। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, वेरी श्योर। यूज डिकॉयड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर एंड रेड एयरिंग्स टू थ्रो द पीपल ऑफ सेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम स्कूल में करते थे, एक पर्दा। हम एक ऐसा पर्दा क्रिएट करेंगे, एक ऐसा फॉल्स इंटेंशन क्रिएट करेंगे, जिस जहां सबको डाइवर्ट कर देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, और ये भी बच्चे लोग करते हैं जो स्कूल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, वो ये हमेशा करते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैं खुद भी ये कर चुका हूं, कि मेरा पूरा फोकस है कि ये एग्जाम टॉप में क्रैक करने का। लेकिन मैं ऐसा सबको, मैं सबके सामने क्या बोलता हूँ, अरे नहीं यार, डैडी फोर्स कर रहे हैं, चलो देखते हैं, क्या एक बार करके तो देखते हैं। एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं है, माय पैशन इज, यू नो, माय पैशन इज आर्ट्स एंड आई वांट टू डू दिस डू दैट। तो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। ये एक पर्दा है, ये एक कर्टन है आपके रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऐसे पर्दे आपको क्रिएट करने हैं ताकि सामने वाला ये कभी ना जान पाए कि आपके मन में क्या है। द सेकेंड थिंग, यू स्मोक स्क्रीन और अ पोकर फेस टू डिस्गाइज योर एक्शंस। पोकर फेस, पोकर एक पत्ताश का गेम है, पत्तों का गेम है, जहां पे लोग एक दूसरे के चेहरे पढ़कर पैसे लगाते हैं कि ये क्या करेगा, और जो सामने वाले को सबसे ज्यादा जज कर सकता है वही जीतता है। तो आपको पोकर फेस बनाना है, कि अपना फेस छुपा के रखना है, आपके अपने इमोशंस छुपा के रखने हैं और सामने वाले के इमोशंस पढ़ने हैं। और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। आपको एक चीज़, एक उपाय मैं इसके लिए आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ऑडियो में कोई जोक्स वगैरह है, कोई फनी है, जोक्स है, तो उसे हेडफोन पर लगाइए, आईने के सामने खड़े रहिए, जोक्स आपके कान में आ रहे हैं, लेकिन आईने में देखिए, आपका फेस सिर्फ बस इतना ही स्माइलिंग होना चाहिए। आप अगर गुस्से में हो तो भी, और अगर आप खुश हो तो भी, आपका एक एक्सप्रेशन ऐसा आप बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन हमेशा आपके फेस पे रहेगा, अच्छा बुरा कोई भी हो, मतलब आपके कान पे आने वाली वार्ता कैसी भी हो, वो एक्सप्रेशन हिलना नहीं चाहिए फेस के ऊपर से, तो आपको कोई कभी जज भी नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज द फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ऐसा कहते हैं कि उनके फेस से कभी पता नहीं चलता था कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो गुस्से में है, वो एग्री है, वो डिसएग्री है, क्या है, वो कभी पता नहीं चलता था।
क्योंकि सामने वाला डिबेट में, आर्गुमेंट में, प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आपको जज करने की और आपको पढ़ने की कोशिश करता है, और वो आपको कभी होने नहीं देना है। तीसरा रूल जो है, द फॉल्स सिंसेरिटी इज वन पावरफुल टूल दैट विल सेंड योर राइवल्स ऑन अ वाइल्ड गूज चेज। फॉल्स सिंसेरिटी, एक झूठा कारण जिसके प्रति मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत सिंसियर हूं, ऐसा दिखाने का एक झूठा कारण आपको आपके लिए तैयार करना है, जिससे लोगों का सारा अट्रैक्शन जो रहेगा, सारा अटेंशन जो रहेगा, वो उसे हटाने में जाएगा और आप बहुत ही सेफ रहोगे, बहुत ही सेफ रहोगे आप। जब जंगल में भी जब हिरन दौड़ता है और शेर उसके पीछे लगता है या कुछ भी होता है, वो हमेशा दिखाता है एक टंग। आप कभी भी डिस्कवरी चैनल पे देखिए, हिरन जब दौड़ता है वो इमीडिएटली दिखाता है कि वो लेफ्ट पे जा रहा है और वो राइट में घूम जाता है। तो दिस इज, और शेर लेफ्ट में घूम जाता है, वो अपना स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये जो चीज़ें होती है, आपको दिखाना अलग है और आपको करना अलग है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, और प्रोफेशनल लाइफ में ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, देन पब्लिकली डिक्लेयर योर फॉल्स इंटेंशन टू गिव मिसलीडिंग सिग्नल्स। लोगों को दिखाने के लिए जो भी कर्टन, जो भी गलत कॉज हम लोग ने रेडी किया है, उसे हमें सबके सबको बताना है, और सबको हमें ऐसे प्रोपोगंडा करना है कि उसके लिए हम कितने ईमानदार हैं और कितना ट्राई कर रहे हैं, ताकि लोगों का पूरा अट्रैक्शन या अटेंशन उसके ऊपर जाए और आपके जो रियल इंटेंशंस है वो डिस्क्लोज रहे। अ नोबल गेस्चर कैन बी अ स्मोक स्क्रीन टू हाइड योर ट्रू इंटेंशंस। नोबल गेस्चर, एक बहुत ही अच्छा मुखौटा, एक बहुत ही अच्छा फेस जेस्चर, आपके जो हाव भाव है वो एकदम ईमानदार होने चाहिए। इसकी भी प्रैक्टिस आप मिरर के सामने कर सकते हो, आपके वो दूसरे फॉल्स इंटेंशन के प्रति आप इतने ईमानदार दिखने चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने की भी एक स्टाइल होती है, एक ट्रिक होती है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 2 6 तो मैं वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए कि सामने वाला दो बार सोचे, भले वो साइंस का मैथ्स का पंडित हो, लेकिन वो दो बार सोचे कि साला 2 2 4 होता है या 6 होता है। तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो इतने अच्छे, स्मूथ, फ्रेंडली रखने पड़ेंगे आपको, और इतने ईमानदार रखने पड़ेंगे आपके झूठ इंटेंशन के बारे में, कि आपका असली इंटेंशन जो है वो उसके पीछे दबा का दबा रह जाए, किसी के ध्यान में नहीं आए वो। नेक्स्ट, ब्लेंड इन एंड द पीपल विल बी लेस सस्पिशियस। आपको पता है कि जो चीज़ें बहुत छुपा छुपा के की जाती है उसके ऊपर लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आप छुपा के कुछ भी कर रहे हो तो सारी दुनिया को पता चल जाता है, लेकिन अगर आप ओपनली कुछ कर रहे हो तो ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि अगर आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है, अगर आप उसके साथ चोरी छुपे किसी रेस्टोरेंट में या कहीं अगर आप जा रहे हो, ये सबके यहाँ वहाँ देख के सबके नज़रों से छुप कर, तो लोगों को इमीडिएटली पता चलता है कि हाँ, यहाँ तो कुछ तो सस्पिशियस है, ये क्या है, कुछ तो लफड़ा लगता है। लेकिन आप अगर ओपनली अगर आप जाओगे तो कोई ध्यान भी नहीं देगा आपकी तरफ, अरे यार वो शायद बहन होगी, भाई होगा या कलीग होगा, इट्स सो ओपन, सो वी डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। क्योंकि इस संसार में हर एक को, वो जेंट्स हो या लेडीज, हर एक को गॉसिप अच्छा लगता है, और आपको ऐसे लगता है सबको कि गॉसिप सिर्फ फीमेल करती है, नहीं, फीमेल से भी ज़्यादा गॉसिप जेंट्स करते हैं। आपको पता नहीं, जेंट्स ऑफिस में, ऑफिस के बाहर यहाँ वहाँ बहुत सारा गॉसिप करते हैं, सबकी जानकारी रखते हैं, सबके जानकारी के बारे में सब कुछ बोलते हैं, सिर्फ फीमेल्स नहीं बोलती, सिर्फ फीमेल का नाम बदनाम है, बस इतना ही, लेकिन जेंट्स भी वही करते हैं। तो जो भी आप जो भी करोगे तो ओपन नहीं करना, और आपका अगर इंटेंशन है तो कुछ छुपा के मत करना, लोगों के साथ मिल घुल जाना, लोगों के साथ मिलना, उनसे बातें करना, आइसोलेट मत हो जाना, तो लोगों को लगे कि ये आदमी तो बहुत ही ईमानदार है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, और उसके पीछे आप आपका असली मकसद जो है, इंटेंशन जो है, उसे छुपा सकते हो। एक बहुत ही अच्छा मुहावरा है इंग्लिश में, द बेस्ट प्लेस टू हाइड
इज अ क्राउड। छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह भीड़ होती है। छुपने के लिए आप अगर किसी खंडर में घुस जाओ तो चार लोग आके आपको ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप भीड़ में कहीं खो जाए और भीड़ जैसा बर्ताव करने लगे, नॉर्मल बर्ताव करने लगे, तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों के साथ मिलकर जुलकर रहिए। आपके ऑफिस में या कॉलेज में आपने देखा होगा कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स जो आइसोलेट रहते हैं, सिर्फ अपना अपना ही देखते हैं, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते, तो वही एक टारगेट होते हैं गॉसिपिंग का। वही सबका अटेंशन उसके ऊपर होता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या छुपा रहा है, वो क्या करने वाला है, कहीं अब हमारे लिए खतरा तो नहीं, पूरा का पूरा फोकस उसके ऊपर जाता है। तो डोंट बिकम आइसोलेट, आइसोलेट मत होइए कभी भी, लेकिन जब किसी से मिलो तो अपने रियल इंटेंशंस किसी से मत बांटो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस टुडेज रूल नंबर 3। आई एम गोइंग टू गिव यू दिस फाइल फॉर द डाउनलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। डेफिनेटली मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जो कमेंट्स है उसका। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। सो सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।